अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर। माय नेम इज़ अंबर। आज मैं आपको इंग्लिश की वर्कशीट 2A एक्सप्लेन करूंगी। इस वर्कशीट में आपको यूनिट 6 द लिटिल एलिमेंट के वर्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं। प्रीवियस वर्कशीट में इस यूनिट का तमाम काम दिया गया था, वर्ड सेंटेंसेस नहीं दिए गए थे, आपको इस वर्कशीट में दिए गए हैं। आप इस यूनिट के एंड में वर्ड सेंटेंसेस कर लीजिएगा। नंबर वन है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा। आई हैव अ लिटिल डॉल, मेरे पास एक छोटी गुड़िया है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। बिग का मतलब होता है बड़ा। द अर्थ इज़ लाइक अ बिग बॉल, ज़मीन जो है वो एक बड़े बॉल की तरह है। मेट का मतलब होता है मिलना। यस्टरडे आई मेट विथ माई फ्रेंड, कल मैं अपने दोस्त से मिला। लुक का मतलब होता है दिखना। ही इज़ लुकिंग वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा दिख रहा है। इसके बाद आपको तमाम काम ग्रामर का दिया गया है। ये तमाम काम आपको ग्रामर के पोर्शन में करने हैं। सबसे पहले है सिंगुलर प्लूरल्स। ये सिंगुलर प्लूरल्स आपको याद करने होते हैं। उर्दू में जो वाहिद जमा होता है उसको इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल्स कहते हैं। आर्म है वो सिंगुलर है, एक चूटी को कहते हैं। जब बहुत सारी चूटियाँ होंगी तो वो प्लूरल्स बन जाएंगी, तो इसका प्लूरल्स होगा आर्म्स। कैट है तो प्लूरल्स होगा कैट्स। इसी तरह वाइफ है तो इसके एंड में देखें बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एफ़ होता है, जो जब इसका प्लूरस बनाया जाता है तो इसके एंड में वी ई एस लगा देते हैं, जैसे कि वाइव है तो यहाँ पर वाइव्स। फूड का फीड, ऑक्स का ऑक्सन, स्काई है तो इसके इसका प्लूरल होगा स्काइस। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके एंड में वाई होता है, वाई से पहले अगर वॉवेस है तो आई ई एस नहीं लगेगा। यहाँ पर वॉवेस नहीं है तो इसके प्लूरस बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्काइस, यानी आई ई एस लग जाएगा। इसी तरह टेबल है तो इसका प्लूरल्स बनेगा टेबल्स। माउस का प्लूरल माइस। लेडी है तो इसका प्लूरल होगा लेडीज़, यानी कि वाई है, इससे पहले वॉवेस नहीं है तो इसका प्लूरल्स बनेगा लेडीज़। इसी तरह टॉय है, टॉय में वाई से पहले वॉवेस है, ओ जो है ना वॉवेस होता है तो इसका प्लूरल्स बनेगा तो इसमें एस लगेगा टॉयस। सेल्फ है, इसके एंड में एफ़ है तो प्लूरल्स बनेगा तो सेल्फ, यानी एंड में वी ई एस लगा देंगे। कॉपी, वाई से पहले वॉवेस नहीं है तो प्लूरस बनेगा आई ए एस लग जाएगा कॉपीज़। इसी तरह आपको मैस्कुलिन फेमिनिन दिए गए हैं। उर्दू में जो मुजक्कर मोनस होते हैं उसको इंग्लिश में मैस्कुलिन फेमिनिन कहते हैं, इसको भी याद करने होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जब उसका फेमिनिन बनाया जाता है तो इसके एंड में ई डबल एस लगा देते हैं, जैसे कि लॉयन है तो लॉयनेस, हॉस्ट है तो हॉस्टेस, प्रिंस है तो प्रिंसेस, बुल का काओ, मैन विमेन, ग्रूम ब्राइड, डॉक्टर लेडी डॉक्टर, फादर मदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। हंटर है तो इसके भी एंड में ई डबल एस लगा देंगे, हंट्रेस। इसके बाद आपको वर्ड सपोजिट दिए गए हैं। उर्दू में इसको अल्फाजित कह रहे हैं, यानी हर अल्फाज का उलट जो होता है उसको अपोजिट कहते हैं। नंबर वन है गुड, तो गुड का मतलब होता है अच्छा, अपोजिट होगा बैड यानी बुरा। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, अपोजिट बनेगा जवान यानी यंग। वेट का मतलब होता है गीला, ड्राई का मतलब होता है खुश्क। हाई का मतलब ऊंचा, लो का मतलब होता है नीचे यानी कम, तो अपोजिट होगा लो। सैड का मतलब होता है उदास, हैप्पी का मतलब होता है खुश। टॉल का मतलब होता है लंबा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, अनटाइडी का मतलब होता है गंदा। स्वीट का मतलब होता है मीठा, सोर का मतलब होता है कड़वा। केयरफुल का मतलब होता है ख्याल रखने वाला, केयरलेस का मतलब जो ख्याल नहीं रखते। रिमेंबर का मतलब होता है याद कर रखना, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, एंड का मतलब होता है ख़त्म होना। नियर का मतलब होता है करीब, फार का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट आपको वर्ब और एडवर्ब की डेफिनेशन लिखनी है। वर्ब क्या है, वर्ब इज़ अ वर्ड, ऐसे वर्ड हैं विच शोज एन एक्शन, जो जिसमें एक्शन शो होते हैं। फॉर एग्जांपल गिवन, रन, सेट, राइट, यानी लिखना, उठना, बैठना, गाना, ये सब वर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब, अ वर्ड विच डिफाइन मोर अबाउट वर्ब, ऐसे वर्ड जो वर्ब को और ज़्यादा डिफाइन करें उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि स्पीक स्लोली, स्पीक जो है वो वर्ब है, अब कैसे बोलता है स्लोली, आहिस्ता, तो ये आहिस्ता एडवर्ब हो जाएगा। रीड लाउडली, रीड वर्ब है तो कैसे पढ़ रहा है, लाउडली, तेज से, तो लाउडली क्या है एडवर्ब। इसी तरह से फाइट ब्रेवली, वो लड़ रहा है बहादुरी से, यानी कि फाइट मतलब लड़ना, तो ये वर्ब है और ब्रेवली एडवर्ब। इसके बाद आपको दो एक्सरसाइज दी गई हैं। अंडरलाइन द वर्ब ऑफ द फॉलोइंग, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। और नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें एडवर्ब को आपको अंडरलाइन करना है। नंबर वन जो है, ही रन्स फास्ट, इसमें जो रन्स को अंडरलाइन नहीं करेंगे, रन्स जो है ना इसका मतलब होता है भागना, यानी कि वो वर्ब है।
फास्ट को अंडरलाइन कीजिएगा, ये एडवर्ब है।